दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड एथिक्स में। तो आज के इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि SSC CHSL के एग्जाम में अब तक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इसकी सोल्व ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसकी एक नहीं 200 ट्रिक्स है, ठीक है, जिसके द्वारा आप इसकी वैल्यू थोड़े से समय में निकाल सकते हैं। दोस्तों, ट्रिक को पूरा सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन उठाया एन रूट 72++ करके इनफिनिटी यानी कि अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की जो पहले ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो संख्या दी हुई है ना, इसके ऐसे फैक्टर कीजिए यानी कि गुणनखंड जिनके मध्य का अंतर कितना हो, 1 हो, और उनने गुणा कराए तो ये खुद आ जाए। तो 8 9 72 या 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 या 8 9 72 एक ही बात है, ठीक है ना दोस्तों। एक तो ट्रिक है ये। तो इसमें होता क्या दोस्तों, जब यहाँ पर प्लस का साइन हो, ठीक है, तब तो आपकी बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी आंसर, ठीक है। यदि माइनस का साइन होता है, छोटे वाली वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। यह तो हुआ पहला ट्रिक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका दूसरा ट्रिक। दोस्तों, यहां पर प्लस हो और आपको जो अनरूट के अंदर संख्या दी हुई है उसमें आप क्या जोड़े कि इससे ठीक बड़ी, इससे आगे आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर है 72 72 में हमें 9 जोड़ेंगे तो 81 होंगे, तो ये 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए माइनस है, ठीक है, 20 के आप फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 5 हो रहे हैं, ठीक है, 4 5 20 होते हैं। और दोस्तों देखिए, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब माइनस हो तो छोटी वाली वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। दूसरी ट्रिक दोस्तों ये है, 20 में से आप क्या घटाएं कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 20 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया। अब देखिए आगे, जब इस प्रकार के क्वेश्चन कोई साइन नया हो, रूट 5 5 5 और इनफिनिट तक हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो अनरूट के अंदर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अनरूट 42++ करके अनंत तक जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वही चीज करनी है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ठीक है। हम इसके देखिए, पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे वो इसके, तो 6 और 7 को गुणा कराने पर 42 आते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्लस है तो निश्चित हम कहेंगे बड़े वाली वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से हम यदि देखें कि 42 42 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 49, 42 में क्या जोड़ें कि 49 वह बन जाए, तो 7, तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो 30 है माइनस एन रूट में और इनफिनिट तक जा रहा है। तो दोस्तों, 30 में से हम माइनस है तो माइनस का मतलब क्या घटाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब दोस्तों, 30 को हमें क्या बनाना है, 25, और 25 बनाने के लिए हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या आप इस प्रकार से जाएं कि 5 गुणा 6 यानी कि 30 हो रहे हैं, तो माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।